अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक खैरियत होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ टीचर्स का पॉलिश एंड स्क्रब का रिव्यू करने वाली जो ट्विन फन है, और ये ऑल टाइप स्किन वालों के लिए है। और ये आप देख सकते हैं कि 120 ml का है और अच्छी खासी ट्यूब में है, और प्राइस भी इसकी बहुत रिजनेबल है, इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है। और ट्विन वन है, एक पॉलिश का भी रिज़ल्ट देता है और स्क्रब का भी। आप इसे पॉलिश के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और इसे यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसे हैंड पे लेके, और उसमें यह क्या पानी का इस्तेमाल आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो आपने अपने फेस पर लगा के 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज करना है, फिर उसके बाद इसे 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद अगेन आपने 5 मिनट मसाज करना है, और फिर उसके बाद आपने साफ़ कर लेना है। तो बहुत अच्छा आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी, और आपकी स्किन में जितनी डेड स्किन वगैरह सारी रिमूव हो जाती है, और यानी कि बहुत इतना अच्छा रिज़ल्ट देता है कि पॉलिश का रिज़ल्ट देता है। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, यानी कि आपके एक ऐसा रिज़ल्ट है कि आप इससे पहले एक आप क्लिनज़र भी बाई कर लें, तो आप क्लिनज़र यूज़ कर लें, फिर उसके बाद यह है कि पॉलिश एंड स्क्रब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यह है कि आपको अच्छी स्किन यानी क्लिनजिंग भी हो जाएगी और पॉलिश भी हो जाएगी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और प्राइस भी इतनी नहीं, आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात कि कोई एक्नी वगैरह का कोई इशू नहीं होता, ऑल टाइप स्किन वाले से यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले भी कर सकते हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी भी यानी सेंसिटिव स्किन है तो भी सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने इसे ऑल टाइप स्किन पे यूज़ करके देखा है, सब स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, किसी भी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, एक्नी वाली अगर स्किन है और बहुत ज़्यादा एक्नी हुई है फेस पर, तो उसे आपने हल्के हाथ से स्क्रबिंग करनी है। वैसे भी जितनी भी स्क्रबिंग है तो आपने हल्के हाथ से ही करनी है, और इसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं तो आपको हल्के हाथ से करनी होगी, ज़्यादा हार्ड हैंड से नहीं करेंगे ताकि आपकी स्किन छिल ना जाए। तो आपने हल्के हाथ से करना है, पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है, क्योंकि ये बार बार ड्राई हो जाता है। और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, आप एक मरतबा बाय करेंगे तो ये आपका काफ़ी टाइम तक चल भी जाता है। अच्छी खासी ट्यूब में है और काफ़ी थिक फॉर्म में भी है, बहुत लाइट फॉर्म में नहीं है कि आप बार बार लगाते रहें और वो बिल्कुल गायब हो जाए। आप इसे हल्का सा भी लगाएंगे तो आप इजीली 5 से 10 मिनट तक मसाज कर सकते हैं, और आप इसे वीक में 1 मरतबा या 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप क्लिनज़र है तो आप क्लिनज़र डेली यूज़ कर सकते हैं, और ये स्क्रब पॉलिश नहीं कर सकते, आप वीक में 1 मरतबा या 2 मरतबा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है, आप लोग इसे बाय करें, यूज़ करके देखें आप सबको कैसे रिज़ल्ट मिलता है। मैंने इसे बाय किया और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है। तो चलें, आज की वीडियो इसके ऊपर थी, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।